हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया की ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी लो हो जाता है तो जो लो बॉडी टेम्परेचर की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर कहते हैं हाइपोथर्मिया तो जो हाइपोथर्मिया जो कंडीशन डेवलप होती है कि जिसके अंदर स्पेशली बॉडी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डिक्रीज होता है तो ये होने के जो रीजंस हैं कि जिसको हम कहते हैं कोजिस फिर उसके रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स फिर किस तरह से हम उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रिवेंसन एंड रिस्क फैक्टर्स ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्पेशली हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा ऑन हाइपोथर्मिया और उस वो होने के रीजन से कौन से उसके अलग अलग लक्षण होते हैं ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एंड रिस्क फैक्टर ये कॉम के बारे में तो यूजुअली जो बॉडी टेम्परेचर हम कहते हैं कि थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस की जो हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जब टेम्परेचर डाउन होता जाता है तो यहाँ पे पहले थर्टी सेवन की जो नॉर्मल उसके बाद समझो कि थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव होता है फिर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस फिर थर्टी फाइव थर्टी फोर और फिर उससे भी काफ़ी कम ट्वेंटी सेवन तो ये जो कंडीशंस डेवलप होती है जैसे जैसे टेम्परेचर आपकी बॉडी का डाउन होता जाता है तो उसको हम कहते हैं द कंडीशन ऑफ लो बॉडी टेम्परेचर और मेडिकल टर्म्स के अंदर वो कहा जाता है हाइपोथर्मिया तो स्टडी uh, करेंगे लिटिल में रिगार्डिंग द हाइपोथर्मिया इन दिस लेक्चर सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल बी फॉर्म एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स पी एच डी परसुइंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स ऑक्स परसुइंग द पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स आप सभी के सपोर्ट के कारण ही ये अचीवमेंट को हम अचीव कर पाए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है आपका फार्मर के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में एंड आप सभी के एफर्ट्स के कारण ही फार्मर ऑक्स ने अपने एक लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए और जिसके कारण सिल्वर बटन की जो यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड कहा जाता है उसका सम्मान जो है वो फार्मर ऑक्स को मिला है सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स बी अपडेटेड विथ फार्मर नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम प्रेस ऑन द बेलाइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑक्स तो फार्मा रॉक्स का जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वग़ैरह फार्मा रॉक्स के ऐप ऊपर अवेलेबल है तो एक्सेस करिए फार्मा रॉक्स का ऐप कि जो अवेलेबल है फार्मा रॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन पे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है कि जिसके अंदर आप स्टडी मटेरियल है कि स्टडी मटेरियल भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा कि जिसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स है पी पी डीजे है हमारे लेक्चर्स के एज वेल एज़ जो रैपिड रिविज़न नोट्स है वो भी आप एक्सेस कर पाओगे फार्मा रॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर तो ये सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कि जहाँ पे आप ये कोर्सेज़ को एक्सेस कर पाते हैं तो स्टडी मटेरियल के अलावा आपको वहाँ पे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शनस है ऑल्सो अबाउट द टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सो ये सभी फ़ीचर्स को एक्सेस करिए वेरी अफोर्डेबल प्राइस में फार्मोरॉक्स के ऐप ऊपर तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मोरॉक्स अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है का जो टॉपिक है हाइपोथर्मिया तो हाइपोथर्मिया इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी लोसीज द हीट फास्टर देन इट कैन प्रोड्यूस द हीट ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना तो हाइपोथर्मिया मेडिकल इमरजेंसी भी कहते हैं मेडिकल कंडीशन भी कहा जाता है कि जिसके अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर है वो लो होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है उसको काफ़ी ठंड लग रही है उसका रीज़न है कि वो जहाँ पे है उसके आसपास जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है कि जो हम नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर का है तो नॉर्मल का जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस अगर समझो कि आसपास के एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर समझो कि ऐसा है कि फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस वक्त हमारे बॉडी की सिस्टम ही ऐसे है कि उस वक्त हमें सीवरिंग होती है ठंड लगती है हमारे मसल्स के अंदर हमें सीवरिंग जैसा प्रोड्यूस होता है और वो हमारे बॉडी के अंदर हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और जिसके कारण हम ठंड के सामने प्रॉपर हमारा प्रोटेक्शन रखते हैं बट ये कंडीशन होती है इमरजेंसी के अंदर होता है कि इसमें that occurs when our body loses heat faster तो हमारी ये जो body है क्या करेगी अपना जो lose करेगी heat तो उसके कारण क्या होगा कि temperature जो है वो body का down होगा और ये process होगी काफी faster देन इट कैन प्रोड्यूस हीट कि इतनी फास्ट हीट जो है वो लॉस हो रही है कि जिसके कारण कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके कंपेयर में हीट लॉस काफ़ी ज़्यादा है कि जब इक्विलिब्रियम बैलेंस होता है बॉडी के अंदर हीट लॉस इज इक्वल टू प्रॉपर हीट प्रोड्यूस कि जब हमारे आसपास काफ़ी ठंड होती है तो उस वक्त जितनी हीट हमारी बॉडी लॉस करती है उतनी ही सामने हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसके कारण हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है मेंटेन। बट किसी कारणों सर जब आपकी बॉडी हीट जो है वो काफ़ी फास्ट लॉस करती है और उसके सामने हीट प्रोड्यूस भी काफ़ी हीट प्रोड्यूस होना स्लो होता है एंड हीट लॉस होना हो जाता है फास्टर ये जब इक्विलिब्रियम में था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट जब क्या होता है कि हीट लॉस होता है फास्टर और हीट प्रोड्यूस होना हो जाता है स्लो तो रिजल्टिंग अब क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर 37 इक्विलिब्रियम रहता था उसके बजाय ग्रेजुअली वह टेम्परेचर डाउन होगा कि सबसे पहले 36.5 हुआ फिर समझो कि 35 होता है 33 होता है 32 होता है तो ग्रेजुअली ये टेम्परेचर डाउन होता जाएगा बिकॉज हीट लॉस फास्टर हो रही है कंपेयर टू हीट प्रोड्यूस कि जो हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए कि जब हमारे आसपास के एनवायरमेंट काफ़ी ठंड हो ठंडा हो, हो तो उस वक्त हम जल्दी से हमारा जो है हीट लॉस करते बट सामने प्रॉपर हीट प्रोड्यूस होना भी जरूरी है अगर समझो कि ऐसा नहीं होता तो क्या होगा आपका टेम्परेचर धीरे धीरे काफी डाउन होता जाता है तो यही कॉन्सेप्ट है हाइपोथर्मिया होने के पीछे तो ये वाला जो स्लाइड है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज ये जो एनोटेशन से वो आपके लिए काफी इम्पॉर्टेंट रहेगी कि हाइपोथर्मिया इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी ये कंडीशन को हम इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं बिकॉज समझो कि हम पेशेंट को हाइपोथर्मिया जब होता है और उसको ट्रीट नहीं करते तो इवन पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है और उसकी और उसकी डेथ भी हो सकती है तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस की जिससे पेशेंट की जो लाइफ है उसके ऊपर अफेक्ट होता है डायरेक्टली तो इसीलिए ये कंडीशन को इमरजेंसी कंडीशन कहा जाता है और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी हम काफ़ी इमरजेंसी uh, के अंदर करते हैं फास्ट पेशेंट को हम स्टेबलाइज करने का स्टेबल करने का प्रयास करते हैं और उसके रिलेटेड जो हम ट्रीटमेंट है वो आगे जानेंगे लेक्चर के अंदर तो अभी ये पॉइंट खास समझ लीजिए कि वैन अवर बॉडी लॉस द हीट फास्टर कि हीट लॉस फास्टर हो रही है देन इट प्रोड्यूस द हीट कि हीट जो प्रोड्यूस होती है वो स्लो हो रही है और तो उसके कंपेयर में हीट लॉस फास्टर तो ये इक्विलिब्रियम जो था वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा और जिसके कारण जो 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मली रहता है बॉडी टेम्परेचर उससे डाउन होकर 36, 35, 33 और धीरे धीरे 35 से भी नीचे जाएगा और वो कंडीशन को फिर हम कहते हैं हाइपोथर्मिया तो ये कंडीशन जो है वो फीवर से कम्प्लीटली ऑपोजिट है फ़ीवर ऐसी कंडीशन है कि जिसको अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है जबकि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है बिलो 95 डिग्री फेरन और 35 डिग्री सेल्सियस तो हाइपोथर्मिया का जो टेम्परेचर है वो खास याद रखिए वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी हाइपोथर्मिया कोजिंग डेंजरसली व्हेन लो बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फेरेन हीट और 35 डिग्री सेल्सियस बिकॉज अवर बॉडीज़ नॉर्मल टेम्परेचर इज अराउंड 98.6 एट पॉइंट सिक्स हीट और इन सेल्सियस इट इज ए थर्टी सेवन की जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसके कंपेयर में जब ये टेम्परेचर थर्टी फाइव से भी नीचे जाता है कि वैन द टेम्परेचर डिक्रीज टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स द हाइपोथर्मिया तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है रिगार्डिंग हाइपोथर्मिया आगे समझते हैं हाइपोथर्मिया इज कोज बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर क्या आप ऐसे जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है काफी कोल्ड टेम्परेचर के अंदर कि या फिर वो एरियाज के अंदर आप काफ़ी दिनों तक रहे हैं या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप वो टेम्परेचर के अंदर आपकी बॉडी एक्सपोज रहती है तो उसके कारण आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए बिकॉज यहाँ पे एक ही प्रिकॉशंस हम कह सकते हैं कि कवर द बॉडी कवर द बॉडी विथ मैक्सिमम लेयर्स ऑफ क्लोथ टू वार्मई एट या एक सॉल्यूशन हम कहे स्टार्टिंग में ही तो हाइपोथर्मिया से समझो कि आपको बचना है बिकॉज ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही एरिया में होगा कि जहाँ पे बर्फ गिरती है या फिर जहाँ पे स्नोफॉल्स होता है ऐसा नहीं है जहाँ पे भी टेम्परेचर समझो कि Uh, समझो कि नॉर्मल विंटर सीजन में भी कोई ऐसे शहर होते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं या फिर 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर रहता है किसी जगह पे, तो ऐसे एरिया के अंदर आप लॉन्ग टाइम आपकी बॉडी एक्सपोज रहती है विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रिकॉशंस तो वहाँ पे भी आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है और जैसे जैसे ये टेम्परेचर और डाउन होते जाते हैं वैसे वैसे हाइपोथर्मिया होने के जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं कि लाइक यहाँ पे 20 है 20 से भी नीचे समझो कि 15 तक जा रहा है 10, 5 और समझो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है या फिर उससे भी नीचे माइनस में जा रहा है तो उस वक्त आपको काफ़ी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं आपकी बॉडी को काफ़ी कवर करके रखना पड़ता है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर आप जो है वो आपकी बॉडी को कवर करिए ऐसे हैंड ग्लोव भी देख सकते हैं स्वेटर वगैरह है तो उससे प्रॉपर जब आपकी बॉडी कवर होती है विथ मैक्सिमम लेयर्स ऑफ क्लोथ टू तो इट तो उससे आप हाइपोथर्मिया से बच सकते हैं तो कोजिस के सामने तुरंत उसका रेमेडी भी होता है कि कोई रीजन्स होता है तो उसके सामने उसकी रेमेडी और सॉल्यूशन तुरंत होता है वैन एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर आवर बॉडी बिगेन्स टू लूज हीट फास्टर देन इट प्रोड्यूस तो अभी जो हमने बात की कि हीट लॉस होना और हीट प्रोड्यूस होना दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं बट जब समझो कि आप कोल्ड टेम्परेचर्स के अंदर है और ऐसे टेम्परेचर की लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस है तो ऐसे कोल्ड टेम्परेचर के अंदर या फिर उससे भी काफ़ी कम 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 0 डिग्री से भी कम है या फिर माइनस टेन डिग्री जितना टेम्परेचर है और ऐसे एरिया के अंदर आप आपकी बॉडी एक्सपोज है तो उस वक्त हीट जो है वो हमारे बॉडी में से काफ़ी जल्दी से लॉस होगी एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रोड्यूस तो जब हमारी बॉडी फेल होती है समझो कि इस तरह से फास्टर हीट प्रोड्यूस करने में तो हमें क्या करना पड़ता है उसको कवर करना पड़ता है बॉडी को अच्छे से क्या करना पड़ता है कवर कि जैसे हम ब्लैंकेट्स वग़ैरह यूज़ करते हैं स्वेटर यूज़ करते हैं कंप्लीटली हमारे चेहरे को भी समझो कि आप ढक लेते हैं अच्छे से गमछे से मफलर से मास्क वगैरह से तो उससे भी फ़ायदा होता है तो जब हमारी बॉडी फास्टर लॉस करती है हीट और प्रोड्यूस होना सामने काफ़ी लो है तो उस वक्त हाइपोथर्मी आपको हो सकता है लेंथी एक्सपोजर विल इवेंचुअली यूज अप आवर बॉडीज स्टोर एनर्जी विच लीड्स टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर कि हमारे बॉडी के अंदर हम जानते कि जो हमारे एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमें प्रॉपर हमारी बॉडी को जो वार्म रखने के लिए जो हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस को रखने के लिए वो यूटिलाइज होती है और जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उससे हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स से, ऑर्गन सिस्टम है वो सभी अच्छे से काम करते हैं तो इसलिए आप देखो कि जैसे टेम्परेचर प्लस माइनस होते कि समझो कि समर सीजन में टेम्परेचर हाई हो तो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिहाइड्रेशंस वग़ैरह हो जाता है क्योंकि उस वक्त जो है वो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है और लॉस जो है वो हो जाता है काफ़ी कम बिकॉज बाहर काफ़ी गर्मी रहती है तो उससे कंप्लीटली रिवर्स कंडीशन की जब आउटर टेम्परेचर काफ़ी डाउन होते हैं तो हीट लॉस होना फास्टर हो जाता है कंपेयर टू इट्स प्रोड्यूस तो उस वक्त कंप्लीटली रिवर्स कंडीशन कि जो हाइपोथर्मिया होता है स्पेशली जो विंटर सीजन के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी होता है या फिर ऐसे एरियाज के जहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज काफ़ी डाउन रहते हैं कि जो हम कोल्ड टेम्परेचर के रेंजेस का है दस या पंद्रह डिग्री के आसपास या फिर माइनस में टेम्परेचर रहते हो तो वहाँ पे ये हो सकता है तो अगर आप काफ़ी दिनों तक ऐसे माहौल में रहते हैं या फिर आप वही एरियाज़ के अंदर आप रहते हैं तो आपके बॉडी की जो स्टोर एनर्जी है वो भी यूज़ होती है और समझो कि आप उसके सामने प्रिकॉशंस नहीं रखते तो कंटीन्यूसली आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाता है और उसके कारण हाइपोथर्मिया आपको हो सकता है तो हाइपोथर्मिया के हम स्टेजेस जाने वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन काफी आईएमपी ये हम अभी से यहाँ पे पॉइंट लिख लेते कि मोस्ट आईएमपी कि जो हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ हाइपोथर्मिया तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज है उसका कि माइल्ड हाइपोथर्मिया की जब कोर बॉडी टेम्परेचर 33 से लेकर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो उसके आप सम सिम्टम्स देखे थे थोड़े माइनर सिम्टम्स आपको दिखेंगे कि, कि सीवियरिंग मतलब कि काफी ठंड लगना यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज सीवरिंग जजमेंट आपका पुअर हो जाता है पुअर जजमेंट डेवलप्स एमनेसिया होता है एंड एपेथी फिर आपके हार्ट रेट इंक्रीज होते हैं इंक्रीज द ब्रीथिंग एंड कोल्ड और पेल स्किन आपकी डेवलप होती है फिर उससे आगे और टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड दैट टेम्परेचर इज बिटवीन ट्वेंटी सेवन टू थर्टी टू पॉइंट नाइन डिग्री कि ट्वेंटी सेवन से लेकर थर्टी टू पॉइंट नाइन के बीच में जब टेम्परेचर है तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया कहा जाता है एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस एंड स्टूपर सीवरिंग इज स्टॉप डिक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग यहाँ पे देखिए माइल जब था उस वक्त हार्ट रेट भी इंक्रीज थे ब्रीथिंग भी इंक्रीज था अब आपके ब्रीथिंग और हार्ट रेट डिक्रीज हो रहे बिकॉज कि पहले जो है वो बॉडी ने ट्राई किया कि हार्ट रेट समझो कि इंक्रीज होते हैं ब्रीथिंग इंक्रीज होती है तो समझो कि गर्म हवा अंदर जाती है बॉडी वार्म अप होती है तो फिर से उसका टेम्परेचर 35 से इंक्रीज होकर 36, 37 चला जाए बट ऐसा नहीं होता आप और ज़्यादा समय ऐसी कंडीशन के अंदर एक्सपोज होते हैं तो कंडीशन की जो नॉर्मल की ओर जानी चाहिए यहाँ से ऊपर समझो कि नॉर्मल है वहाँ पे जाना चाहिए कि जो टेम्परेचर 37 है तो उसके बजाय ये जो है वो नीचे की ओर आ जाता है अगर माइल्ड हाइपोथर्मिया को तुरंत आप ट्रीट नहीं करते तो आगे जाके वो मॉडरेट हाइपोथर्मिया में एंटर हो सकता है और उसके जो सिम्टम्स आप देखें तो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस यहाँ पे पेशेंट कॉन्सियस था बट अब जो है वो पेशेंट धीरे धीरे अनकॉन्सियस हो रहा है सीवरिंग की जो उसको ठंड लगना बंद हो जाए बिकॉज सीवरिंग होना ज़रूरी है सीवरिंग होने से जो है वो एनर्जी यूटिलाइज़ होती है एनर्जी यूटिलाइज होने के कारण बॉडी जो है वार्म होती है, जैसे हम सीवरिंग uh, होने के कारण हमारे जो मसल्स हैं वो सीवरिंग होते हैं और उसके कारण फिर टेम्परेचर हाई होता है फिर से और नॉर्मल की रेंज में पहुँच जाता है बट जब सीवियरिंग स्टॉप हो जाती है हार्ट रेट भी आपके स्लो हो जाते हैं और ब्रीथिंग तो टेम्परेचर जो है वो जल्दी से नीचे डाउन होता जाता है डिक्रीज द रिफ्लेक्सेस एंड नो वॉलेंटरी मोशन अब यहाँ पे पेशेंट जो है वो अपना कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कंप्लीटली उसके जा रहे हैं तो रिफ़्लैक्सिस कंप्लीटली उसके अब डिक्रीज़ हो रहे हैं आप देख सकते हैं सिम्टम्स के अंदर क्योंकि टेम्परेचर 27 और 32.9 के बीच में मतलब कि जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 है उससे अराउंड सात से लेकर दस डिग्री जितना टेम्परेचर आपका कम हो रहा है तो उसके कारण कोई वॉलेंटरी मोशन आपकी नहीं देखने को मिलते एंड पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग मतलब कि उसका जो कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स है वो ड्रास्टिकली डाउन होते रहे हैं और उसके बाद जब सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाता है यहाँ पे भी समझे कि आप ट्रीट नहीं कर दें तो इससे रिवर्स भी जा सकते हैं मॉडरेट से माइल्ड और माइल्ड से फिर नॉर्मल बट मॉडरेट में भी ट्रीटमेंट ना हुई अच्छे से तो आगे का स्टेप है सीवियर हाइपोथर्मिया के जिसके अंदर टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन से भी नीचे मतलब कि लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन होता है तो काफ़ी ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है ब्रेडिकार्डिया होता है नो रिफ्लैक्सिस लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस समाइम कोमा और डेथ तो आप देखिए कि उसके जो स्टेजेस है वाखिर में आपको कोमा में ले जा सकते हैं या फिर उसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है या फिर आप कंप्लीटली आपके कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है तो ऐसा ना हो इसलिए उसको स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेजेस में ही ट्रीट कर लेना जरूरी है कि यहाँ पे माइल्ड है तो तुरंत आप ट्रीटमेंट करके उसको नॉर्मल में ले जाओ मॉडरेट है तो भी उसको ट्राई करो कि वो सीवियर के बजाय फिर से माइल्ड में जाए और माइल्ड से आप उसको नॉर्मल की ओर ले जाए और ऐसा तो कभी हमें सोचना भी नहीं है कि आप सीवियर की ओर जाएं हम तो यही चाहेंगे कि मॉडरेट से आप माइल्ड और माइल्ड से फिर नॉर्मल की ओर जाएं तो ये है स्टेजेस ऑफ हाइपोथर्मिया अभी जैसे स्टार्टिंग में ही बताया मोस्ट आई एम आपके लिए पॉइंट हाइपोथर्मिया के स्टेजेस नेक्स्ट हम समझते हैं उसके सिम्टम्स तो सिम्टम्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए और बेज ऑन इट्स स्टेजेस बट जो हम दूसरे सिम्टम्स उसके देखे कॉमन कि जब उसकी शुरुआत होती है तो अनकंट्रोल्ड ब्रीथिंग इंटेंस सीवरिंग और जब सब जो कि आपको इंटेंस सीवरिंग होना चालू हो जाए तो तुरंत आप आपकी बॉडी को वार्म करना स्टार्ट कर दीजिए चाहे आप स्वेटर यूज़ करिए ब्लैंकेट है कुछ भी ऐसे चीज़ के जिससे आपकी बॉडी को फिर से आप वार्म कर सके तो यह है सीवरिंग उसका एक सिम्टम फिर मेंटल कन्फ्यूज़न लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन या फिर जो आप अच्छे से खड़े रहते वो नहीं रह पाएंगे कोल्ड एंड ब्लू स्किन इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाते हैं पल्स आपके वीक हो जाते हैं एंड लार्ज द प्यूपिल्स। तो स्लर स्पीच साथ में आपकी जो स्पीच है वो काफ़ी स्लर हो जाती है आप अच्छे से बोल नहीं पाते क्योंकि आपको साथ में ठंड भी लग रही है सीवरिंग भी हो रहा है मम्बलिंग uh, होता है स्लो सेलो ब्रीथिंग एंड द वीक पल्स तो ये उसके है सिम्टम्स uh, और भी सिम्टम्स जानते हैं कि जिसके अंदर क्लमसीनेस होता है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्रॉसीनेस वेरी लो एनर्जी कन्फ्यूज़न रहता है पेशेंट को मेमोरी लॉस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो ये सभी सिम्टम्स आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आई है इसमें से कोई भी सिम्टम्स समझो कि ऐसा हो डेवलप हो रहा है तो जैसे यहाँ पे हम इमेज के अंदर देख रहे हैं कि तुरंत जो है वो पेशेंट को आपको रिवॉर्म करना चाहिए कि प्रॉपर उसकी बॉडी को आप जो है वो कवर करिए बाय द ब्लैंकेट कि आप जो भी उसको हीट देने के लिए कर सकते हैं कवर द बॉडी जैसे इस तरह से पैटर्न में कि इवन वो ब्रीथिंग कर सके उस तरह से उसकी बॉडी को आप ऐसे कवर कराए थोड़ा तो धीरे धीरे जो ये जो सिम्टम्स है वो काफी कम हो जाएंगे और टेम्परेचर फिर से उसका नॉर्मल हो सकता है तो हाइपोथर्मिया होने के जो रीजन हम जाने तो वियरिंग द क्लोथिट्स दैट आर नॉट वार्म इनफ फॉर वेदर कंडीशन नॉट वार्म इनफ क्या आप ऐसे कपड़े पहनते हैं कि आपकी बॉडी को प्रॉपर वॉर्म नहीं हो वार्मिंग नहीं हो रही इन सम वेदर कंडीशन की जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी डाउन है कि वेदर कंडीसन ऐसी है कि टेम्परेचर डाउन है और उसमें आपने जो कपड़े पहने हैं वो ऐसे नहीं है कि आपकी बॉडी को वॉर्म कर सके वियरिंग द क्लोथ दैट आर नॉट वार्म इन अ फॉर वेदर कंडीसन और इसके कारण डायरेक्टली इस तरह से आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगा स्टेइंग आउट इन द कोल्ड टू लॉन्ग बाहर समझो कि काफ़ी ठंड है और इसी ठंड के अंदर आप बिना अपने बॉडी को अच्छे से कवर किए काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो उसके कारण भी ये हो सकता है

सूख नहीं रहे हैं आपने ऐसे कपड़े पहने काफ़ी गीले हैं उसके कारण भी आपको ठंड लग रही है तो हाइपोथर्मिया ना हो तो तुरंत आप ड्राई लोकेशंस पे जाइए एंड मूव टू वार्म कि तुरंत आपकी बॉडी को आप वार्म कर सके ऐसा ट्राई करिए फॉलिंग इन टू द वॉटर एज इन ए बोटिंग एक्सीडेंट कि कई बार हम देखते हैं कि जो काफ़ी बर्फ वाला ठंडा पानी हो वैसे पानी के अंदर आप समझो कि गिर जाते हैं कि जो ग्लेशियर से पिघला हुआ जो ठंडा पानी आता हो जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो काफ़ी कोल्ड पानी हो वो और ऐसे पानी में आप समझो कि गिर जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो पानी के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाती जैसे हम कई बार मूवीज़ वगैरह के अंदर देखते हैं किसी सीरियल वगैरह के अंदर देखते हैं किसी भी हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते कि जिसके अंदर एक्सीडेंटली इस तरह से कोई पानी में गिर जाता है और फिर उसको हाइपोथर्मिया जैसा हो जाता है तो लिविंग इन ए हाउस आप ऐसे घर में रहते हैं दैट्स टू कोल्ड आइदर फ्रॉम पुअर हीटिंग और टू मच एयर कंडीशनिंग दो रीजंस होते हैं कि आप ऐसे घर में रहते हैं कि वहां पे काफी ठंड है कि चाहे आप आपका एयर कंडीशनिंग काफ़ी लो टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं या फिर वहाँ पे प्रॉपर हीटिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप समझे कि ऐसे एरियाज़ में रहते कि आपके वहाँ पे ठंड कॉमन है ज़्यादातर महीने आपके वहाँ पे ठंड रहती है तो जरूरी है प्रॉपर हीटिंग का सेटअप करवाना तो ये जरूरी है कि उसके कारण आपका जो रूम है आपका जो हाउस है आपका जो घर है वो प्रॉपर वॉर्म रहेगा तो उससे रिवर्स से के समझे कि आप ऐसे घर में रहते कि वहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है तो भी आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है अब उसका डायग्नोसिस कैसे करें तो हाइपोथर्मिया का जो डायग्नोसिस है वो सबसे पहले तो उसके फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स जो हम कहे उसकी बेसिस पे ही हो जाते हैं कि काफ़ी ठंड लग रही है पेशेंट को डिजीनेस जैसा हो रहा है फीलिंग हंग्री नोजिया जैसा हो रहा है रैपिड ब्रीथिंग हो रही है प्रॉब्लम इन स्पीकिंग कन्फ्यूज़न कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज फर्टिक रैपिड हार्ट रेट सीवरिंग एज द कंडीशन वॉरसन ड्रॉसिनेस हो रहा है उसको वीक पल्स है उसके एंड सैलो ब्रीथिंग तो अब ये सब सिम्टम्स आप देखते हैं तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं हाइपोथर्मिया इवन समझे कि कोई एक्सीडेंटल कंडीशन से भी ऐसा हुआ है कि कोई पर्सन काफ़ी कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आया है ऐसे बर्फ़ में फंस गया है कि जैसे हम देखते हैं कि बर्फ़ के तूफान वगैरह के अंदर आप फंसे और आप प्रॉपर आपकी बॉडी कवर ना हो और इवन बॉडी कवर हो तो भी जब आप वैसे बर्फ़ के नीचे कंप्लीटली आपकी बॉडी रहती है काफ़ी टाइम तक तो भी वो कंडीशन में हाइपोथर्मिया हो जाता है तो डायरेक्टली जो उसके सिम्टम्स होते उसके बेसिस पे ही डायग्नोसिस तो हो ही जाता है ब्लड टेस्ट कैन ऑल्सो हेल्प टू कन्फर्म हाइपोथर्मिया एंड इट्स सीवियरिटी कि बॉडी टेम्परेचर तो आप चेक करोगे साथ में ब्लड टेस्ट भी आप समझो कि करते तो उससे उसकी सीवियरिटी पता चलेगी कि कौन से स्टेज में है तो ये ज़रूरी है ब्लड टेस्ट एज वेल एज़ उसका टेम्परेचर कर चेक करना जरूरी है ब्लड के अंदर कोई कोग्युलेसन्स वगैरह आपको देखने को मिल रहा है या नहीं तो वो सब चेक करना पड़ता है उसके डायग्नोसिस से अंदर और डायग्नोसिस में नॉट बी रेडिली एपरेंट हवेवर इफ द सिम्टम्स आर माइल्ड एज वेन एन ओल्डर पर्सन हु इज इनडोर एज हैज़ एन सिम्टम्स ऑफ कन्फ्यूजन लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच प्रॉब्लम तो डायरेक्टली सिम्टम्स के बेसिस पे भी कई बार जज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज कोई पर्सन ऐसे इस तरह से रहता है कि उसके सिम्टम्स डायरेक्टली हमें ऐसे देखने को मिलते कि कन्फ्यूज़न है उसका लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है स्पीच प्रॉब्लम है तो उसको आप ऐसे नहीं जज कर सकते कि उसको हाइपोथर्मिया है ओके तो जरूरी है साथ में दूसरे भी टेस्ट करना कि आप उसका बॉडी टेम्परेचर खास जरूर से चेक करिए जरूर पड़े तो ब्लड टेस्ट करिए और उसी के बाद आप फाइनल उसका डायग्नोस कर सकते हैं एज अ हाइपोथर्मिया उसके रिस्क देखे तो योर टॉलरेंस फॉर कोल्ड डिमिनिज वेन यू आर फटिक जब आप काफी थके होते हैं तो उस वक्त जो टॉलरेट करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि आपका जो टॉलरेंस लेवल है ठंड को सहन करना वो धीरे धीरे कम होता जाता है फिर ओल्डर एज कि जो हाइपोथर्मिया का जो रिस्क है समझो कि आप काफ़ी थके हुए हैं और ऐसी थकान के अंदर आप ऐसी ठंड के कांटेक्ट में आते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी का जो टॉलरेंस लेवल है वो काफ़ी लो होता है तो उस वक्त आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है ड्यू टू दिस फटिक सेकंड ओल्डर एज आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है तो उसके कारण भी आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है कि अगर आप काफ़ी ठंड के अंदर एक्सपोज होते हैं द बॉडीज़ एबिलिटी टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड टू सेंस कोल्ड मे लेसन विथ एज कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बॉडी की जो एबिलिटी होती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने की इक्विलिब्रियम करने की वो रिड्यूस होती है एज पर इंक्रीज द एज तो ओल्डर एज में भी एज वेल एज द वेरी यंग एज कि जब एज काफ़ी कम हो उस वक्त भी हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम्स हो आपको अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्ट हो आप उस वक्त भी हो सकता है एज वेल एज सर्टेन मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकेशंस तो ये है हाइपोथर्मिया के रिस्क फैक्टर्स कॉम्प्लिकेशंस जाने तो कॉम्प्लिकेशन है एक न्यूमोनिया तो मेकेनिज्म हम देखें तो उसके अंदर फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी पेशेंट को क्योंकि न्यूमोनिया के कारण समझो कि हाइपोथर्मिया हुआ है तो भी हो सकता है इवन थाइरोड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी कई बार सिम्टम्स डेवलप होते हैं हाइपोथर्मिया के फिर ब्रोंकस म्यूकस ऑब्स्ट्रक्शंस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर हो सकता है हाइपोकैलेमिया हो सकता है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ एनले हाइपरग्लाइसीमिया आपको हो सकता है डिक्रीज इंसुलिन रिलीज एंड डिक्रीज मोटिलिटी कि इंसुलिन रिलीज डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण सुगर यूटिलाइज नहीं होगी सुगर यूटिलाइज नहीं होगी तो ब्लड सुगर इंक्रीज होगा और ब्लड शुगर इंक्रीज होगा तो उसको हम कहते हैं हाइपर सेप्सिस हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल कि उसने काफी समझो कि कोल्ड टेम्परेचर के अंदर जब आप एक्सपोज होते हैं काफ़ी समय तक तो उसके कारण ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं आपके बॉडी के अंदर डब्ल्यू डाउन हो जाते हैं और जिसके कारण सेप्सिस हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है ओनली विथ प्रोलोंग हाइपोथर्मिया कि काफ़ी प्रोलोंग काफ़ी टाइम तक आप एक्सपोज होते हैं हाइपोथर्मिया के कारण तो उसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता था ये है उसके कॉम्प्लिकेशंस अब जानते हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में तो ट्रीटमेंट में तो सबसे पहले आपको पेशेंट को अच्छे से रैप करना होता है कि हाइपोथर्मिया रैप कि जो पेशेंट है उसको अच्छे से ब्लैंकेट से आप कवर कर लें कि जिससे उसको प्रॉपर हीट मिले उसके लिए आप समझे कि हॉट वाटर बैग्स वगैरह है वो भी यूज़ कर सकते हैं और हॉट वेटर बैग्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास रख के फिर आप जो है वो प्रॉपर विंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ जो लेयर्स होते हैं ऐसा पूरा प्रॉपर ब्रैंकेट से उसकी बॉडी को कवर करिए एज वेल एज बी द जेंटल व्हेन यू आर हेल्पिंग ए पर्सन विथ हाइपोथर्मिया हैंडल हीम और हर जेंटली बहुत ही जेंटली उसको हैंडल करिए मूव द पर्सन आउट ऑफ द कोल्ड सबसे पहले तो पेशेंट को जहाँ पे वो ठंड में एक्सपोज हो वहाँ से तुरंत आप ऐसी जगह पर लीजिए कि वो रूम अच्छे से वार्म हो उसके जो वेट क्लोथ है वो कंप्लीटली आप रिमूव कर लीजिए उसके बाद उसकी जो बॉडी है उसको कवर करिए विथ द ब्लैंकेट्स कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ब्लैंकेट से बॉडी को अच्छे से करें कि ये स्टेप वन देखें उसके बाद ये स्टेप थ्री और स्टेप थ्री के अंदर कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बॉडी को जो है वो अच्छे से कवर कर लिया है कि जिससे क्या है कि ये हम रीवार्मिंग करवा सकते हैं उसके बाद इंसुलेट द पर्सन्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड ग्राउंड अब आप उसको ऐसे बेड पे भी सुला सकते कि जहाँ पे बेड अच्छे से आपने ऐसे रूम में सेट किया है वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर वार्मिंग है तो जो कोल्ड ग्राउंड से आप उसको बेड पे आप सुला सकते हैं अच्छे से अगर पेशेंट कॉन्सियस है तो आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अनकॉन्सियस हो तो भी आप उसको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके मॉनिटर ब्रेत करिए और वो समझो कि डायरेक्टली ले सकता हो वार्म बेवरेजेस की मतलब कि आप गरम चाय उसको देते हैं कॉफ़ी वगैरह देते हैं हॉट बेवरेजेस जितने भी आप ट्राई कर सक हो सके वो आप उसको देंगे तो उससे फिर से उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गरम गरम उसको चाय या कॉफ़ी वगैरह आप दे रहे हैं तो उससे आ, कारण फिर से उसका जो बॉडी है वो नॉर्मल टेम्परेचर में जा, जाएगा तो यूज़ वम एंड ड्राई कॉम्प्रेसिस डोंट अप्लाई द डायरेक्ट हीट डायरेक्ट हीट अप्लाई नहीं करनी है उससे क्या होगा कि कई बार जो स्किन्स वगैरह है वो डैमेज हो सकती है बर्निंग हो सकती है इंजरी हो सकती है डायरेक्ट हीट अप्लाई करने से तो आप इनडायरेक्टली हीट अप्लाई करें कि जैसे ब्लैंकेट से और इस तरह से आप गर्म पानी देते हैं या फिर कॉफ़ी देते हैं टी वगैरह देते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है तो ये जो है वो पेशेंट जब अच्छे से कॉन्सियस हो तो उस वक्त आप ये कर सकते कि जहाँ पे ये ये जो पर्सन इसको अच्छे से दे रहेगी हॉट टी या फिर आप कॉफ़ी दे सकते हैं उसको या फिर सॉल्ट वाटर डायरेक्ट गर्म पानी और इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के भी उसको दे सकते हैं कि समझो कि लो टेम्परेचर हुआ हो लो बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज़ इसके एक सिम्टम्स डेवलप होते हैं डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर तो अगर आप सॉल्ट वाटर देंगे और उसमें भी वो गर्म देंगे तो दो प्रॉब्लम सॉल्व होगा एक तो बॉडी टेम्परेचर जो डाउन हुआ था वो इंक्रीज़ होगा और ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज़ हुआ था वो सोडियम की जो सॉल्ट के कारण फिर से इंक्रीज होगा कि जल्दी से पेशेंट जो है वो आपका स्टेबल हो जाएगा नेक्स्ट है पेसिव रिवॉर्मिंग पेसिव रिवॉर्मिंग मतलब कि आप उसको अल्टरनेटिव यूज जैसे कि ब्लैंकेट्स हैं उसके अलावा हॉट बेवरेज वग़ैरह है उसके अलावा हॉट वाटर बैग्स जो हम देखें उससे या फिर उसको आप अच्छे से मालिश भी कर सकते हैं उसकी बॉडी को कि जिससे क्या होगा पेसिवली उसका बॉडी रिवॉर्म हो जाएगा फॉर टाइम

वो फिर से अपनी रिदम पकड़ेगा नॉर्मल टेम्परेचर में जाएगा फिर वार्म इंट्रावेनस फ्लूड अगर पेशेंट अनकॉन्सियस है तो ऐसी कंडीशन में आईवी फ्लूइड्स भी आप दे सकते हैं और वो भी अ वार्म। वॉम वार्म इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर में बी पुट इन टू ए वेन टू तो हेल्प द वॉम द ब्लड की जो ब्लड को आपको गर्म करना जरूरी है तो उसको वार्म करने के लिए वॉम इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर और ये इसलिए कि जब पर्सन समझो कि कंप्लीटली अनकॉन्सियस वो ओरल रूट से नहीं ले पाता तो उसके लिए फिर आप इंट्रावेनस फ्लूइड्स को ट्राई करेंगे और जिससे उसकी जो लाइफ है वो आप बचा सकते हैं एयरवे रिवॉर्मिंग तो एयरवे रिवॉर्मिंग के लिए आप वेल करवा सकते हैं एयर को वह एयर यूज ऑफ ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड विथ मास्क और नजल ट्यूब ये जो ट्यूब आती है वैसे या फिर ऐसे जो मास्क होते हैं कि जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड करे वार्म एयर को इनहेल करवाए तो उससे भी पर्सन जल्दी से स्टेबल हो जाएगा और वार्म सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन किस तरह से पेशेंट को डायरेक्टली इंट्रावेनस ड्रिप लगा के आप जो सॉल्ट वाटर है उसकी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करवा सकते हैं मे बी यूज टू वॉर्म सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज द एरिया ऑफ द लंग्स लंग्स के एरिया को अच्छे से गर्म करेगा एबडोमिनल कैविटी एंड पेरियोटोनिल कैविटी जो हम कहते हैं द वॉर्म लिक्विड इज इंट्रोड्यूस इन द अफेक्टेड एरिया विथ कैथरटर्स तो कैथेटर्स को यूज़ करके जो अफेक्टेड एरियाज के अंदर भी आप ये वार्म लिक्विड्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते कि कि जब पेशेंट कम्प्लीटली अनकॉन्सियस है उस वक्त आप ये स्टेप ले सकते हैं अगर वो कॉन्शियस है और डायरेक्टली ओरल रूट से भी ले सकता है तो वो भी एक वेस्ट तरीका रहेगा कि बॉडी हम कवर करें तो ये है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया तो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम व्हाट्सएप टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन ऑल्सो यूज दिया फार्मारॉक्स एक्सेस स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर गेट द लिंक ऑफ एप इन डिस्क्रिप्सन बॉक्स गुड लक एंड ऑल द बेस्ट